ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनमें खेलों के प्रति रुझान पैदा करने के लिए निर्मंड के युवक मंडल ने हिमाचल दिवस से अभियान शुरू कर दिया है। समारोह के दौरान देश विदेश में अपनी प्रतिभा दिखा चुके युवाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान योगा और नृत्य के क्षेत्र में नाम कमा चुके बच्चों ने भी अपना हुनर दिखाया। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि युवक मापक द्रव्यों का नशा छोड़ खेलों का नशा पालें तो बेहतर होगा। युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए निर्मंड ने हिमाचल दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया। आनी उपमंडल के निर्मंड खेल परिसर में युवक मंडल निर्मंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार निर्मंड नीरजा शर्मा ने किया। युवाओं को नशों से दूर रहकर खेलकूद में हिस्सा लेने का संदेश देते हुए इस प्रतियोगिता का आज आगाज हुआ। इस अवसर पर युवक मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों से अपने प्रदेश का नाम रोशन करने वाले शख्सियतों को सम्मानित किया। इसी कड़ी में DSP रामपुर अभिमन्यु वर्मा को पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, सुनील शर्मा सिरमौर को एशियाई खेलों में मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने, सुशीला वर्मा अनुज मधारी शीश टांगा को क्रमशः हलासन शीर्षासन चक्रासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहां पे सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अनुज मदारी ने बताया कि उन्होंने हलासन महलासन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नाम दर्ज किया है। आज हिमाचल दिवस को उन्हें निर्मंड में सम्मानित किया गया है। वहीं सुशीला वर्मा ने बताया कि उन्होंने हलासन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने पर उन्हें नारी राज्य सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। समिति की योग साधिका हूँ। मैंने पीछे हलासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 55 मिनट का, और मुझे राज्य नारी पुरस्कार भी नवाजा गया है, और मुझे यहाँ पे हिमाचल दिवस के दौरान पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? और मेरा ये संदेश है, योग करो और स्वच्छ भारत बनाओ। नैन्सी शर्मा ने बताया कि उन्होंने नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। युवा भी नशा त्याग कर समाज निर्माण के लिए आगे आए। पढ़ने के लिए नशे का सेवन करते हैं, परिणाम स्वरूप विवाह हो या मंगनी, जन्मदिन का अवसर हो या फिर किसी पार्टी में जाने का, या फिर नौकरी लगने का अवसर हो, शराब के बिना पार्टी जमती ही नहीं। पहले